अमृतपाल को पूछना चाहता हूं, अमृतपाल तू बहुत गुरु महाराज को मानने वाला है ना, दुबई से आया ना, कनाडा से आया ना, जब वहां पे पाकिस्तान में अगर सिखी स्वरूप का इतना तुम्हें ख्याल है, अगर नार्को टेररिज्म की पंजाब के नौजवान नशों में जा रहे हैं, तो जा पाकिस्तान, जिसने महाराज रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्होंने अभी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान पंजा साहब के अंदर जूते लेके अंदर चले गए फिल्म की शूटिंग करने बगैर परमिशन के, और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों के ऊपर कंप्लेंट करवाई गई, इतना बड़ा अपमान, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया, वो कहां बैठे वहां खालिस्तानियों, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं, आप तो खालिस्तानी नहीं, आपकी वो पगड़ी और दाढ़ी है, और है आप पाकिस्तान के एजेंट, रोज ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब में भेजे, रोज ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म फैलाए, रोज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के इशारों पर हमारी नई जनरेशन को तबाह करें, करोड़ों की हीरोइन आए जो पूरी हिंदुस्तान की जनरेशन को तबाह करे, और कहते खालिस्तान बनाएंगे, आप खालिस्तानी है ही नहीं, खालिस है ही नहीं, अगर आपके मन के अंदर गुरु के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता तो आप जिन लोगों ने पंजा साहब के अंदर जूते लेके चले गए, नंगे सिर चले गए, सिर पे कपड़ा नहीं, उनकी जेब में तंबाकू है, सिगरेट है, क्या है उसका हमें पता नहीं, जरूर होगा, इतना बड़ा अपमान, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब में हथियार भेजेंगे, अरे आप तो सरदार है ही नहीं, आप तो कौम के गद्दार हैं खालिस्तानियों, कौन से बब्बर खालसा, कौन सा खालिस्तान कमांडो फोर्स, आप तो खालिस्तानी है ही नहीं, मैं इसको कहना चाहूंगा, फिर नाम भूल जाता हूँ क्या है, अमृतपाल को, सिर्फ कौम के रखवाले बनते हो, पंजाब के वारस बनने की बात करते हो, पंजाब को हम सुधर नहीं देने चाहते, यही है ना, कभी आंदोलन, कभी खालिस्तान, कभी धर्मयुद्ध मोर्चा, कभी चंडीगढ़ ले लेंगे, कहाँ था काबल कंधार तक सिख कौम का राज, महाराज रणजीत सिंह शेरे पंजाब का, कहाँ हमें फंसा दिया एक छोटे से पंजाब में, राजस्थान भी निकल गया, जम्मू का हिस्सा भी कुछ निकल गया, हिमाचल भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, दिल्ली का हिस्सा भी निकल गया, रह गया छोटा सा पंजाब, उसमें कहते खालिस्तान बनाएंगे, हिम्मत है ना, जा वहाँ, पासपोर्ट है ना तेरे पास, जा दुबई, और दुबई से जा पाकिस्तान, अगर शेर का बच्चा है ना, पक्का है ना कि मैं पंजाब का वारस हूँ, मैं पंजाब की जवानी बचाना चाहता हूँ, जा पहले अपने गुरु का, कहता मैं गुरु का पक्का सिख हूँ, यही कहा तूने, जा जाके पाकिस्तान मार के जा, तो वहां शहादत का जाम पी जा, जब वापस आ जा, हिंदुस्तान तुम्हें सम्मानित करेगा, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, आ जा, यहां आकर के जो गुरदास मान का गाना था, वसदी धरती उजड़ गई, हम लोग हैं पॉलिटिशियन जिम्मेदार, हम है धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार, अब नया धर्म का ठेकेदार आ गया जी, जब हमारे पास एक अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब है, हम उसके सारे उनके आगे सिर झुकाते, कई ऐसे कंट्रोवर्सल सवाल हो जाते हैं, अकाल तख्त के जथेदार साहब बोल देते हैं, हम बोलने से कन्नी कतराते हैं, कोई बात नहीं, जथेदार साहब है हमारे अकाल तख्त के चीफ हैं, हमारी एक मर्यादा है सिख कौम की, हम हर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल सकते हैं, पर अकाल तख्त के जथेदार साहब के बोलने के वक्त हमारी जबान भी कई बार थरथरा जाती है, नहीं वो जथेदार साहब है ना, आप जथेदार साहब को माने, नए जथेदार रोज आ जाए, नए नए आंदोलनकारी आ जाए, इतना सा पंजाब क्या 30 साल में हमने पंजाब के अंदर किया बता दे, पंजाब के अंदर 30, 32, 33, 34 साल से जब आतंकवाद आया, 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम हुए, 19,000 हिंदू भाई शहीद कर दिए, क्या किसी के हाथ में बंदूक थी, क्या किसी के हाथ में रिवाल्वर, क्या कृपान थी, निहत्थे लोगों को मार दिया, लोग कहते कोई बात नहीं, पंजाब को तरक्की के रास्ते पे हम लेके जाते हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन पंजाब में नया पंगा खड़ा नहीं कर देते हम, रोज डेली कोई ना कोई ऐसी, कौन सी जवानी कहां पंजाब की लेके जा रहे, कहां लेके जा रहे हैं पंजाब की जवानी, क्या पंजाब की जवानी पंजाब के नौजवानों के बारे में आप सोचते हैं,
पहले माओ के लाल आपने गर्म भाषण दे करके हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए आपने, और आपको विदेशों से फंडिंग अभी भी आती है। आप नेतागिरी करते हैं, कनाडा से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, और पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल 16 साल 18 साल। एक घर के दो दो बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया अरिंदर पाल, अतिंदर पाल कौन नया आ गया, नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहाँ से आ गया जी हैं। और अब यहाँ आके ये गर्म भाषण दे के नौजवानों को बंदूक, कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहाँ क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है पहले ये तो बता दे, सिख कौम को खतरा किससे है? बोलने को कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं, सब कुर्सी सत्ता की दौड़ में भाग रहे हैं। कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब कहाँ है, किनके भाषणों ने पहुंचा दिया। अब तुम आकर के पंजाब के नौजवानों को भड़का करके 15 साल माओ के लाल मरवाना चाहते हो आप? आप सिख कौम के रखवाले बनते हो। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर सिख कौम का तू रखवाला, जा पाकिस्तान, ओ तेरे गुरु का, हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ननकाणा साहब, जहां के सिक्खी की शुरुआत हुई वो ननकाणा साहब, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, उसका अपमान करे जा रहा, कुछ सवाल ही नहीं पंजाब के अंदर, उस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं। इनके अपने, हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। बंदी सिख छोड़ दो, हमारे साथ जेद जाती होगी। अरे जब गुरु का अपमान हो गया, गुरु के अपमान के ऊपर सारी सिख संगठन चुप क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, पर मेरे अंदर एक जज्बा है कि अगर गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान का अपमान हो जाता है, कभी काफिर कर देता है, कभी ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप कर देते हैं, तो आप चुप क्यों हैं? मैं अगर ठीक होता, मैं चलने के लायक होता, मेरे शरीर के टुकड़े किए हैं कोई दिक्कत नहीं, या फूलों की तरह दर्दें लगती हैं, मुझे पता है अब भी मैं आपके निशाने पे हूं। जब मरूंगा पूरी दुनिया में शहीद कहलाऊंगा। आप चंद लोग मुझे गाली देंगे, देश के लिए कौम के लिए मरूंगा मैं। लुच्चे सौदे के खिलाफ मैंने गोलियां नहीं चलाई थी, जबान को AK-47 बना करके सिरसा के अंदर इसके चने चबाए थे। हिम्मत नहीं होती थी लुच्चे सौदे की मेरे खिलाफ, मेरे सामने बहस करने की। कौन है आपके प्रचारक? एक डडरिया वाला साहब प्रचारक संत समाज के, सिरसा में जाकर के कई लोगों को अमृत छिड़काया था, छकाया था, और लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी, उनको भी बुरा भला कहते हैं। आज इस पंजाब की जवानी को बचाएं। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम पंजाब की जवानी को बचाएं। पाकिस्तान से पूरी कोशिश है, हो चुकी है, कामयाब हो चुका है। पंजाब की जवानी आज नशों में दस चुकी है, हमारे राजनीतिक लोगों की गलतियों से, चंद धर्म के ठेकेदार लोगों की गलतियों से। हम भाषण तो देते हैं, पंजाब की जवानी को ठीक करेंगे, हम नशे को खत्म करेंगे, नहीं को ठीक कर पाया। हमें आज यह सोचना होगा, सब समुदाय के लोगों को सोचना होगा, पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये गैंगस्टर कब आए, ये नशेड़ीपन कब से शुरू हुआ पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए। पहले बम्बों गोलियों ने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, माओ के लालों के हाथ में बंदूकें पकड़ा करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और बाद में जो बच्चे थे, माँ बाप ने दो दो एकड़ तीन तीन एकड़ जमीनें बेच करके अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया। माँ बाप दुनिया से चले जाते, बच्चे आखिरी सांस भी माँ के बाप के पास नहीं आ पाते, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान बाद में जिम्मेदार है, पहले हम जिम्मेदार है। पॉलिटिशियन मेरी तरह छोड़े, या पॉलिटिशियन राजनीति को छोड़े और खुल के बोले मेरी तरह, ले पंजाब ठीक होगा कि नहीं होगा? कोई बोलने को तैयार नहीं। हरमंदर साहब के अंदर एक नौजवान कोई आता है, काफिर आता है, गुरु पहली बार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब की दीवारों और जंगलों को टाप करके अंदर चले जाता है। अगर हमारे ग्रंथी साहब, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, गुरु महाराज, उनकी आंखों ने, उनकी दिमाग ने, गुरु महाराज ने कृपा की,
अगर वो एकदम ना उठते, शायद हमारा गुरु साहबान बैठे जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है दुनिया से आके, उसका भी अपमान हो जाता। कहाँ गया को बोला? मैं मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बोला? अपने अपने मुद्दों पे हर अपनी राजनीति चौधर की भूख में हर पॉलिटिशियन हर धर्म का ठेकेदार बोलने का हक है, जमाता है और बोलता है। पर गुरु का अपमान, हरमंदर साहब में अपमान, ननकाना साहब में अपमान, पंजा साहब में अपमान, कल की बात। और आज मैं बाहर से आया हूं, तमिलनाडु से अखबार पढ़ रहा हूं, कोई चर्चा ही नहीं, चर्चा ही कोई नहीं। जूते लेके चले गए गुरुद्वारा साहब के अंदर, चर्चा ही कोई नहीं। खालिस्तान बनाएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, पहले बदला तो ले लो। बनते हो बब्बर शेर, दूसरे दिन कृपाने निकाल के खालिस्तान बनाएंगे। जाओ ना, जाओ दुबई, दुबई के जरिए जाओ पाकिस्तान, ठोक के आओ। इधर ठोकते हो ना अपने हिंदुस्तान के अंदर, जहां हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, साहबजानों ने शहादतें दी, खून की नदियां बहाई, चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर किया मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। भाई मतीदास जी, इतना बड़ा सिख कौम का इतिहास, और आप इतिहास को एक मुट्ठियों में बंद करना चाहते हैं, और यहां पे लोगों को डराते हैं रोज। किसको डराना चाहते हैं? किसको सिख कौम से खतरा है? क्या हिंदू से खतरा है? क्या मुसलमान से खतरा है? क्या नरेंद्र मोदी से खतरा है? पहले कांग्रेस से आपको खतरा था, उस सिख कौम मार्शल कौम सिख कौम को खतरा किससे है? 30-36 हजार लोगों को मार करके चंद खालिस्तानियों, लोग फिर कहते हैं हिंदू भाई, फिर कहता है सेकुलर सिख, फिर कहता है चल कोई बात नहीं, हम अगला रास्ता अपनाते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हम छोटे, आपके गुरुओं ने हमें बचाया था। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, किसी पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू भाई ने को गिला किया? उनके भाई उनके परिवारों के परिवार उजाड़ दिए, गांव के गांव खाली हो गए। कई मेरे दोस्त थे, आज उनके घर जाता हूं, घर टूटे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, सीख लग चुकी है वहां पे, पर कभी को भूला नहीं। तो किससे खतरा बताओ ना? कमियां तो हमारे में है, अगर ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा, कमियां तो हमारी हैं। हमने अपनी नौजवान नई जनरेशन को इतिहास को क्यों नहीं बताया? हमने अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? हमने नौजवानों को गलत रास्ते में क्यों डाला? कहां है हमारे हॉस्पिटल, मैं पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे स्कूल, कहां है हमारी यूनिवर्सिटियां, जहां गुरु ग्रंथ साहब के इतिहासों को, जहां गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को, गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर जी के महाराज के इतिहास को, यहां साहबजादों के इतिहास को, जहां भाई मतीदास जी के इतिहास को, जहां महाराज रंजीत सिंह जी के इतिहास को। ये महाराज रंजीत सिंह का स्टैचू अभी जाके वीडियो बना लो, इतने इतने बुझे हुए, इतने इतना इतना घास हुआ हुआ है, अभी जाके देख लो कंपनी बाग के अंदर, शेर ए पंजाब महाराज रंजीत सिंह। और मैं ले जाता हूं आपको, अपनी तरफ से टिकट देता हूं, चले जाइए बॉम्बे के अंदर, प्लेन से उतरिए, ट्रेन से उतरिए, छत्रपति जी शिवाजी महाराज खड़े पूरा टका के, और हम श्याम सिंह अटारी फंक्शन होता, लोग ही नहीं आते, सफाई नहीं, महाराज रंजीत सिंह शेरे पंजाब की सफाई नहीं, जत्था सिंह रामगढ़िया स्टैचू पे मिट्टी। ये हमारी सिख कौम की विरासत है, ये संभालेगा ये अतेंद्र पाल, मैं नाम ही भूल जाता, झूठा है ये संभालेंगे पंजाब की विरासत को? अरे पहले अपने सूरवीरों की, अपने गुरुओं की विरासत को तो संभाल लें। रोज नए नए निकलते, डेली इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, डेली खालिस्तान बनाएंगे। अरे जाना ना पाकिस्तान, खालिस्तान बनाओ, कहो लाहौर दो, वहां खालिस्तान बनाएंगे। कौन सा खालिस्तान बनाएंगे आप? ये राजपुरा, यह 100 किलोमीटर पठानकोट, यह 100-125-150 किलोमीटर बठिंडा, और बनाएंगे खालिस्तान। कौन आपका प्राइम मिनिस्टर होगा? कौन आपका सीएम होगा? कौन आपके एम्बेसडर होंगे? कौन आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? कहने पंजाब को आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, यही कह रहा है। जो जब नया नया आया तिंदर वरिंदर पाल, कौन अमृतपाल, यार नाम ही झूठा, क्या नाम ही नहीं ज्यादा था, अमृतपाल ये कहता हमें आजादी, और कौन सी आजादी चाहिए अमृतपाल? कौन सा पंजाब चाहते हो? कौन सी आजादी चाहते हो? क्या नहीं दिया हिंदुस्तान ने हमको? हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार दिलबाग सिंह,
2% को, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 मिले हमें, 4 मिले होंगे मेरी नजर में, 2 हैं हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग के हीरो, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ सरदार विक्रम सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ कौन मिले, जे सिंह जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया, हिंदुस्तान के एयर मार्शल सरदार अर्जुन सिंह, हिंदुस्तान के एयर मार्शल धनोआ जी, हमको दिए, हिंदुस्तान ने दिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, ये आजादी चाहते हैं आप, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के नेवी चीफ कौन मिले, बरार साहब बार बार मिले, ये आजादी चाहते हो, कभी दुनिया के अंदर कभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई धर्म हो किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा हिंदुस्तान की सरकारों को, आपने 2% वालों को राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एयर मार्शल आर्मी चीफ बना दिया नेवी चीफ बना दिया, कभी नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और कौन सी आजादी चाहते हो, पाकिस्तान के भूखे नंगे पे टुकड़ों पे पड़ना चाहते हो आप, वो पाकिस्तान जिसने हमारे शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह काबुल कंधार तक राज टुकड़े टुकड़े कर दिए, वहां बब्बर खालसा कहां जाता है, वहां खालिस्तान कमांडो फोर्स कहां जाता है, असी शेर होने हैं, और एक काहे शेर मुंह से निकल रहा है, मैं रोक रहा हूं, काहे के शेर है आप, हाँ डराते हैं लोगों को बंदूकें बेच के, आप काहे के शेर हो आप, आपके योद्धे का स्टैचू तोड़ दिया जाए, पंजा साहब में जूते लेके गुरुद्वारा साहब में चले जाए, रुमाल सिर पे ना हो, जेब में सिगरेट है तंबाकू है को पता ही नहीं, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप कर दिया जाए, काबुल कंधार के अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु ग्रंथ साहब वहां पे गोलियां चल जाएं, कहां आपकी आवाज जाती है, सवालों का जवाब तो दे दो, खालिस्तान बनाएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। सर जैसे पाकिस्तान में गुरुद्वारों में बेहद भी कई बार हो चुकी है, हाँ कि कोई बोला नहीं, अब क्या है हरियाणा गुरुद्वारा अलग किया तो ये मार्च निकाले जा रहे हैं सुखबीर बादल कल। देखो जी मैं इन चक्रों में मैं नहीं पढ़ता, ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ, ना मैं इस लड़ाई में पढ़ता हूँ, सारी सिख कौम को, हिंदू भी पंजाब का उसमें आता है, अगर आप हरिमंदर साहब देखें सिखों की भाइयों की संख्या होगी, हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा है पंजाब से नहीं दुनिया से, डायरी मेरी फुल है, मैं चेक करा देता हूं, एक अंगुना हम आ रहे हैं प्लीज हमें जरा दर्शन हो जाए, सबको गुरु ग्रंथ साहब तो हम सबके हैं, क्या हिंदू गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानता, ये हमारे अंदर नफरत है, सिख समाज के चंद ये खालिस्तान के नारे देने वालों के अंदर नफरत है, हिंदू समाज के बारे हिंदू के अंदर नफरत नहीं है, पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर वो कहता है अगर सिख समाज ना होता तो आज हम ना होते, बार बार कहता थक जाता है, दीवारों पे सिर मारता मारता थक जाता है, हम मानने को तैयार नहीं है, हमें एक मिनट हमें सबको एक होकर के पहले तो जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब का बार बार उनकी सिख समाज हिंदू समाज की मंदिरों का गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, जत्था जाना चाहिए वहां प्राइम मिनिस्टर साहब के पास सीरियस हो करके कि हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, क्या यहां किसी ने प्रोटेस्ट किया, क्या वाघा बॉर्डर में किसी ने प्रोटेस्ट किया, क्या पाकिस्तान को हिलाया, किसान आंदोलन था प्रोटेस्ट हुआ था ना, चले गए थे लाल किला तिरंगे झंडे का अपमान करने, गुरु का अपमान सिर पे पगड़ी गुरु का अपमान, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं, पाकिस्तान हिला ही नहीं, पाकिस्तान कहते इनके ऊपर तो फर्क ही नहीं, ये वहीं बोलना जाते हमारे खिलाफ बोलना नहीं जानते नहीं बोला आपके सामने, हाँ जी आप सवाल पूछा।